गर्भनिरोधक स्पंज या योनि स्पंज 5 सेंटीमीटर चौड़ा गोल टुकड़ा, नरम और लचीले प्लास्टिक फोम का होता है, जिसे गीला करके योनि में गर्भाधान को रोकने के लिए डाला जाता है। जो हिस्सा सबसे पहले अंदर जाता है वह गर्भाशय ग्रीवा के चारों ओर फिट होने के लिए अंदर की ओर मुड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ एक बुना हुआ पॉलिएस्टर लूप होता है जो निकासी के लिए काम आता है। जब गर्भाशय ग्रीवा पर ठीक से फिट किया जाता है तो यह एक बैरियर बनाता है जो शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय में जाने से रोकता है। स्पंज में एक शुक्राणु नाशक भी होता है जो शुक्राणुओं को मारने के लिए लगातार रिलीज किया जाता है। स्पंज लगाना टैम्पोन लगाने जैसा ही है। आप इसे समागम करने से 24 घंटे पहले तक डाल सकते हैं। अपने हाथों को साफ करने के बाद स्पंज को रैपर से बाहर निकालें और उस पर लगभग 2 बड़े चम्मच साफ पानी डालें। फिर इसे तब तक धीरे से दबाकर निचोड़े जब तक कि यह पूरा गीला और जागदार न हो जाए। ऐसे होने से यह लगाने से पहले ही शुक्राणुनाशक सक्रिय हो जाता है। स्पंज के कर्व हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए स्पंज को आधा मोड़े और इंसर्ट करें। इसे योनि में जितना हो सके उतना ऊपर की ओर धकेले, फिर इसे यहाँ खुल जाने दीजिए ताकि ये गर्भाशय ग्रीवा को ढक दे। अपनी उंगली से जांचे कि आपका गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से ढका हुआ है या नहीं। शुक्राणुनाशक के सक्रिय होते ही स्पंज असरकारक हो जाता है और इसे योनि में लगाया हुआ है। एक बार जब यह अंदर चला जाता है तो आप इसे बदले बिना जितनी बार चाहे उतनी बार समागम कर सकते हैं। हालांकि आदर्श तरीके से आप इसे डालने के 24 घंटे के अंदर निकाल दें। अगर आप अपनी योनि में 30 घंटे से ज्यादा समय तक स्पंज छोड़ते हैं तो बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जिससे आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या वेजिनोसिस होने का खतरा रहता है। असरकारक सुरक्षा के लिए आपको समागम के प्रत्येक दौर के बाद कम से कम 6 घंटे तक स्पंज को अंदर रखना चाहिए। निकालना आसान है। अपनी योनि में साफ उंगली डालें और लूप को महसूस करें। फिर स्पंज को आराम से बाहर खींचें। प्रत्येक स्पंज केवल एक बार उपयोग करने के लिए ही है। इस्तेमाल किए गए स्पंज को गड्ढे वाले शौचालय या कूड़ेदान में फेंक दें। सही तरीके से उपयोग करने पर स्पंज गर्भाधान को रोकने में वो महिलाएं जिन्होंने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है उनके लिए 91% कारगर है, और जिन महिलाओं ने जन्म दिया है उनके लिए यह 80% कारगर है। यह गर्भनिरोधक एक ऐसा तरीका है जो सभी के लिए कारगर है, हार्मोन रहित है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। इस तरीके की कुछ कमियां यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न, आत्म अनुशासन और प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आपको अपनी योनि में उंगलियां डालने में सहजता महसूस नहीं होती तो यह तरीका आपके लिए सही नहीं हो सकता। अगर आपको सल्फा दवाओं या शुक्राणुनाशक से एलर्जी है तो यह तरीका आपके लिए सही नहीं है। इसके उपरांत यह सामान्य योनि लुब्रिकेशन में दखल कर सकता है, जिससे समागम कम आनंददायक हो सकता है। स्पंज को इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती अगर आपको मासिक धर्म चल रहा है, कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ है, या अगर आपको जन्म दिए 6 हफ्ते से कम समय हुआ है। स्पंज आपको यौन संचारित रोगों STIs से नहीं बचाएगा। संक्रमण को कम करने के लिए निरोध का उपयोग करें। गर्भनिरोधक स्पंज और अन्य गर्भनिरोधक विधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए findmemethod.org पर जाएं।